नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास साहू, शल्य तंत्र विभाग। मैं अभिलाषी विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। जो आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्षार सूत्र। आप लोगों ने, आप में से बहुतों ने सुना भी होगा क्षार सूत्र के बारे में, कि क्षार सूत्र का प्रयोग किन में करते हैं, कौन कौन सी व्याधियां ऐसे जिसमें किसमें करते हैं, और ये क्षार सूत्र हम बनाते कैसे हैं। तो क्षार सूत्र का प्रयोग मैं आपको बता दूं तो आपने सुना होगा कि जैसे बवासीर हो गया, जिसको हम अर्स बोलते हैं या हेमरॉइड्स बोल देते हैं, ठीक है, मॉडर्न में बवासीर में कर सकते हो। फिसर, जो परिकर्तिका का पेशेंट होता है, रेक्टल प्रोलैप्स है, रेक्टल पॉलिप है, पाइलोनाइडल साइनस, जो नाड़ी व्रण होते हैं, इन जगहों पे हम भगंदर, जिसको फिस्चुलाई नेनो बोलते हैं, इन जगहों पे हम क्षार सूत्र का प्रयोग करते हैं। अब मेन बात यह है कि क्षार सूत्र को हम बनाते कैसे हैं, ठीक है, क्या क्या हमें उसके लिए कंटेंट चाहिए। तो क्षार सूत्र बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक थ्रेड लेना पड़ता है, लिनेन बार्बर थ्रेड 20 नंबर का, और जो हम उसमें मटेरियल यूज करेंगे वो होगा स्नूही छीर या जो स्नूही लेटेक्स हम बोलते हैं, स्नूही का दूध, आम भाषा में हम बोलते हैं थूहर का पेड़, है ना, उसका हमने दूध लेना है स्नूही का, और अपा मार्ग क्षार लेना है। यहाँ पे हम बना रहे हैं जो वो अपा मार्ग क्षार बना रहे हैं, क्षार सूत्र बना रहे हैं, तो अपा मार्ग क्षार का हमने यूज़ किया है। और जो तीसरी जो हमने ड्रग लेनी, वो हरिद्रा का पाउडर, हरिद्रा चूर्ण लेना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि थ्रेड ले लिया, सामग्री होगी, अब कोटिंग कैसे करना है। तो जो हमारी पहली कोटिंग होगी, ठीक है, यानी जो सबसे पहले हमने जिस चीज़ की कोटिंग करनी है वो स्नूही छीर की कोटिंग करनी है, और एक कोटिंग डेली करना है, और उसको फिर हमने ड्राई करने के लिए जो हमारे पास ड्रायर मशीन है उसमें हम रख देते हैं, ठीक है। तो 11 दिन तक इस तरह हम स्नूही छीर की कोटिंग करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा 12वां दिन आएगा तो उसमें हम स्नूही छीर की पहले कोटिंग करेंगे, देन उसके बाद अपामार्ग क्षार की कोटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम नेक्स्ट जो है स्नूही छीर प्लस अपामार्ग की, इस तरह से टोटल 7 कोटिंग हो जाएगी, और लास्ट की जो 3 कोटिंग होती है वो स्नूही प्लस हरिद्रा चूर्ण की करनी है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा टोटल 21 कोटिंग करके हमारा क्षार सूत्र तैयार हो जाता है। और तैयार होने के बाद फिर उसको आप स्टेराइल कर लो। स्टरलाइजेशन के लिए जो हमारे पास ड्रायर मशीन है उसी में यूवी लैंप लगा है, उसके थ्रू हम स्टरलाइजेशन का काम उसी के थ्रू हम कर लेते हैं। फिर प्रॉपर ड्राई हो जाए, फिर आप उसको एक जो ग्लास ट्यूब आती हैं बिल्कुल उसमें एयर टाइट, है ना, काफ़ी अच्छे से पैक कर लेना है। अगर वो किसी वजह से, अगर आपका जो पैकिंग है वो लूज़ रह जाएगी तो उससे क्या होगा कि क्षार जो होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है, तो वो उसके वजह से उसमें नमी आ जाएगी, है ना। तो आप उसको जब पैक करो तो बिल्कुल टाइट पैक होना चाहिए वो, एयर टाइट। तो अभी इतना इस वीडियो में, मैं अभी दो नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करता हूँ कि हम बताऊँगा, मैं अभी दिखाऊँगा आपको कि क्षार सूत्र बनाते कैसे हैं, कैसे क्या कोटिंग करती है। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। नमस्कार मित्रों।